लेट्स गेट स्टार्ट इन दिस वन वी आर कंटिन्यूइंग द थ्योरी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. इजी चैप्टर है, कवरेबल है. वी कैन इजीली गेन स्कोर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अंडर द सीए फाइनल एएफएम थ्योरी रिलेटिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर. तो फर्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो आता है कि एप्लीकेशन ऑफ वार, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ वार, वैल्यू एट रिस्क के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, ऑल सच क्वेश्चन. क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है ये ऑलरेडी रिपीट हुआ है, एमटीपी मई 24 में भी था और फर्दर भी होगा या नहीं जो भी है. हियर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क की एप्लीकेशंस क्या है. आप मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो. वार, व्हाट इज वार, वैल्यू एट रिस्क से क्या हम देखते हैं कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है ऑन पोर्टफोलियो पर, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है ऑन पोर्टफोलियो पर. तो हमें वार से क्या पता चलता है, हम क्या कर सकते हैं वार से, वैल्यू एट रिस्क से हम मेजर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन पोर्टफोलियो. हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है ऑन पोर्टफोलियो. तो व्हाट वी कैन डू विद द एप्लीकेशन ऑफ वार, दैट इज हम मेजर कर सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है ऑन द पोर्टफोलियो, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है ऑन पोर्टफोलियो, नंबर वन. नंबर टू, दैट इज हम फिक्स कर सकते हैं लिमिट फॉर इंडिविजुअल डीलिंग इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट. हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं लिमिट फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए लिमिट्स को फिक्स कर सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए लिमिट्स को फिक्स कर सकते हैं. जो भी इंडिविजुअल जो कि डील कर रहा है ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, जो भी इंडिविजुअल डील कर रहा है ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, उसके लिए हम लिमिट्स को फिक्स कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, हम लिमिट्स को फिक्स कर सकते हैं, हम फिक्स कर सकते हैं लिमिट्स को इंडिविजुअल के लिए, हम फिक्स कर सकते हैं लिमिट्स को इंडिविजुअल के लिए जो भी डील कर रहा है ट्रेजरी डिपार्टमेंट में. तो हमने क्या किया, हमने फिक्स किया लिमिट्स को इंडिविजुअल के लिए जो भी डील कर रहा है द ट्रेजरी डिपार्टमेंट में. नंबर थ्री, दैट इज हम ये क्या करता है, ये एनेबल करता है द मैनेजमेंट टू डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. ये मैनेजमेंट को क्या, ये एनेबल कराता है कि वो कैसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकती है. तो इट एनेबल द मैनेजमेंट टू डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे डिसाइड किया जाए. तो ये थर्ड पॉइंट बन जाता है, इट एनेबल द मैनेजमेंट, इट हेल्प और इट एनेबल द मैनेजमेंट टू डिसाइडिंग द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. सेकेंड क्या था, ये फिक्स करता है लिमिट किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए जो कि डील कर रहे हैं इन द ट्रेजरी डिपार्टमेंट. फर्स्ट क्या था, ये मेजर करता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन पोर्टफोलियो. देन आ जाता है हमारा एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. ये क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. ये एक्ट करता है, ये किसके तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज अ बेंचमार्क. हम जो वार एप्लीकेशन ऑफ वार को किसके पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हैं हम. It will act as a benchmark. ये act करेगा as a benchmark for performance measurement के लिए. ये act करेगा किसकी तरह, ये act करेगा as a benchmark for performance को measure करने के लिए. उसके बाद ये tool है for asset and liability management. ये क्या है, ये tool है, tool for what? ये tool है for the asset and liability को manage करने के लिए. It will act as a tool so that you can manage your asset and liability. As well as liability, so it will act as a tool for the management of asset and liability. So let's recall everything relating to the application of VAR together. So let's participate. So number one, ये क्या करता है, measure करता है maximum possible loss को on portfolio. Number two में हम बात करते हैं कि ये fix कर देता है limit for the individual dealing in the treasury department. Number three क्या बोला था हमने, नंबर थ्री हमने ये बोला था कि नंबर थ्री, लेट्स पुट इट ऑन होल्ड. एक और पॉइंट पढ़ा था, ये टूल है फॉर एसेट मैनेजमेंट के लिए. और एक हमने पढ़ा था कि फिक्स कर देता है लिमिट, ओके, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, ओके, टूल है फॉर एसेट मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो ओके. ये एक्ट करता है एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ये एक्ट करता है एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ये एनेबल करता है मैनेजमेंट को टू डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. ये हेल्प करता है मैनेजमेंट की, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट की फॉर डिसाइडिंग द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. तो लेट्स रिकॉल अगेन वंस मोर, दैट इज व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क. सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे फर्स्ट वन, दैट इज ये क्या करता है, ये मेजर करता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन पोर्टफोलियो. ये फिक्स करता है क्या, ये फिक्स करता है लिमिट्स.
लिमिट फिक्स करता है फॉर इंडिविजुअल जो कि डीलिंग कर रहे हैं इन द ट्रेजरी डिपार्टमेंट. फिर हम क्या बोलते हैं, इट्स अ टूल. ये है, क्या है, टूल है फॉर द असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए. ये एक्ट करता है एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए. ये एनेबल कराता है मैनेजमेंट को फॉर डिसाइडिंग द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एप्लीकेशन ऑफ वार. होप दैट यू ऑल्सो इन अ पोजिशन टू राइट इन द एग्जामिनेशन. उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर, वही है, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट. पर क्वेश्चन क्या आएगा, तो हमने पढ़ा था कि इससे प्रीवियस वन में, प्रीवियस क्लिप में, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क. देर इज स्ट्रैटेजिक रिस्क, देर इज कंप्लायंस रिस्क, देर इज ऑपरेशनल रिस्क, देर इज फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क में बहुत सारी रिस्क अंदर आती है. द फर्स्ट वन दैट इज द स्ट्रैटेजिक रिस्क. तो स्ट्रैटेजिक रिस्क में क्या होता है, एक ऐसे रिस्क विच कंपनी से स्ट्रैटेजी, कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजी थी वो बिकम्स लेस इफेक्टिव, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई, दैट बिकम्स लेस इफेक्टिव हो गई हो. एंड इट्स स्ट्रगल टू अचीव इट्स गोल. और वो नाउ द कंपनी इज स्ट्रगलिंग टू अचीव इट्स गोल, वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही. तो व्हाट इज अ स्ट्रैटेजिक रिस्क. स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होती है, कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजीज थी दैट नाउ इट बिकम लेस इफेक्टिव, नाउ इट इट इज नॉट इन अ पोजीशन टू अचीव इट्स गोल. वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही है. उसके बाद आता है हमारा कंप्लायंस रिस्क. कंप्लायंस रिस्क मतलब लो स्कोर रेगुलेशन का अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है तो देयर अराइजेस अ कंप्लायंस रिस्क व्हिच सिंपली इंडिकेट्स सिस्टम. तो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी द कंप्लायंस रिस्क दैट सिंपली इंडिकेट्स कि आप क्या हो सकता है, इंप्रिजनमेंट हो सकता है या फिर कंपनसेशन लग सकती है, मतलब पेनल्टी लग सकती है फॉर नॉट कंप्लाइंग द लॉज एंड रेगुलेशन. तो उसके बाद कंप्लायंस रिस्क दैट एवरी बिजनेस नीड टू कंप्लाई विद. सारे के सारे बिजनेस को कंप्लायंस करना होगा रूल्स का भी, रेगुलेशंस का भी. सारे के सारे बिजनेस को क्या करना होगा, कंप्लायंस करना होगा रूल्स का, रेगुलेशंस का. नॉन कंप्लायंस अगर करा तो दैट लीड्स टू पेनल्टी, इंप्रिजनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दैट इज बेसिकली द स्ट्रैटेजिक रिस्क, व्हेन द कंपनीज स्ट्रैटेजीज बिकम लेस इफेक्टिव. और वो डिमांड शिफ्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड ऑल, वो सब हम लिख सकते हैं. कंप्लायंस रिस्क में भी इतना ज्यादा नहीं है, दैट एवरी कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशन. इफ इट डू नॉट कंप्लाई तो देन देयर विल बी लीड्स टू पेनल्टी, इंप्रिजनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट कम दैट इज द ऑपरेशनल रिस्क. व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क, इट रिलेट टू इंटरनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क क्या होगा, इट रिलेट टू इंटरनल रिस्क दैट इज फेलियर हो रहा है ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू कोप विद द डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम. इट ऑल्सो रिलेट टू पीपल एज वेल एज प्रोसेस. ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है पीपल से भी एज वेल एज प्रोसेस से भी. तो वॉट विल बी द ऑपरेशनल रिस्क, ये रिलेट करता है, ऑपरेशनल रिस्क जो है वो रिलेट करता है इंटरेस्ट रिस्क से, सॉरी जो ऑपरेशनल रिस्क वो रिलेट करता है इंटरनल रिस्क से. फेलियर हो रहा है टू कंप्लायंस विद द डे टू डे ऑपरेशन के साथ, कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो वो सारा जो है हमारा ऑपरेशनल रिस्क में आ जाता है. उसके बाद आता है हमारा देन कम दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क. नाउ व्हाट आर बेसिकली द फाइनेंशियल रिस्क क्या है, इट इज रेफर टू एज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशन. कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाते हैं, हम कब बोलेंगे कि देर इज अ फाइनेंशियल रिस्क. कब फाइनेंशियल रिस्क है, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाए. अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाए, किसमें आ जाए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, इन द फाइनेंशियल कंडीशन में. अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाए, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाए इन द किस में चेंजेस आ जाए, इन द फाइनेंशियल कंडीशंस में, सच एज प्राइसेस में, एक्सचेंज रेट में, क्रेडिट रेटिंग में, इंटरेस्ट रेट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल रिस्क कब होगी, जब कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाए फाइनेंशियल कंडीशंस में, प्राइसेस में, एक्सचेंज रेट में, क्रेडिट रेटिंग में, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा में. फिर उसके बाद आप कैसे वैल्यूएशन करोगे, नाउ कम्स द क्वेश्चन. फाइनेंशियल रिस्क मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाए, किसी में भी आ सकते हैं, एक्सचेंज रेट्स में, क्रेडिट रेटिंग में, इंटरेस्ट रेट में, मतलब फॉरेक्स करेंसी, करेंसी में चेंजेस आता है, एक्सचेंज रेट्स वगैरह में, इंटरेस्ट में, क्रेडिट रेटिंग में. तो ये सारा जो है कवर्ड है अंडर दी फाइनेंशियल रिस्क व्हेन देयर इज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करेंसी में आती है, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट में आती है, क्रेडिट रेटिंग में आती है. तो ये सारा जो है कवर्ड है अंडर द फाइनेंशियल रिस्क. उसके बाद आता है हमारा डेट इज हाउ देयर विल बी द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. कैसे आप इवैल्यूएशन करोगे, कैसे आप इवैल्यूएशन करोगे, हाउ विल यू डू द इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क का. फाइनेंशियल रिस्क कैन बी इवैल्यूएटेड
फाइनेंशियल रिस्क जो है उसे हम इवैल्यूएट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनेंशियल रिस्क जो है हम उसे इवैल्यूएशन करते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जब शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो डेट और इक्विटी है उसकी रिस्क कहीं बढ़ ना जाए। जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो हम बोलते हैं कि कंपनी में कोई ज़्यादा एक्सेस लोन का डिफॉल्ट ना हो जाए। और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट आता है, तो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रिस्क कैन बी व्यूड एज अ फेलियर ऑफ एनी बैंक। अगर कोई बैंक फेल हो जाता है तो दैट कैन बी एज अ फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी के पॉइंट ऑफ बहुत ज़्यादा बोरोज जो एक्सेस में हो जाए दैट कैन बी फोर्स टू गो इन टू लिक्विडेशन में चला जाए। और स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रेशियो, जैसे कि स्टेक होल्डर रेशियो ऑफ डेट डेट टू कैपिटल स्ट्रक्चर में वो ज़्यादा जाएगा तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम द शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये सर हमने पढ़ लिया। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें एक और पॉइंट बोलते थे, दैट इज लेमन ब्रदर्स। उसके बाद आता है हमारा, व्हाट आर द मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। क्लासिफिकेशन कैसे होगा फाइनेंशियल रिस्क का, तो हाउ देयर विल बी दी Now we are discussing that what are the methods for identification and management of financial risk. कैसे क्लासिफिकेशन होगा फाइनेंशियल रिस्क का, फाइनेंशियल रिस्क का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है। उसमें ही आता है जैसे काउंटर पार्टी रिस्क, जैसे हो गया सपोज काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क में क्या होता है, ये अकर होती है ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी। ये अगर होती है ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी, जैसे कैसे फेलियर हो सकता है टू डिलीवर गुड्स। इफ देर इज अ फेलियर टू डिलीवर गुड्स, हम क्या बोलते हैं, इफ देर इज अ फेलियर हो जाए तो डिलीवर गुड्स, रीपेमेंट हो जाए बोरिंग एक्सेट्रा, दस इट ऑल्सो कवर्स क्रेडिट रिस्क। तो ये क्या करता है, ये कवर करता है क्रेडिट रिस्क को। तो वॉट विल बी दी काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क हम क्या बोलते हैं, दैट वॉट विल बी दी काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क। ये तब अगर होता है ड्यू टू द नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी। वट इज दी काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, वट इज दी काउंटर पार्टी रिस्क, ये तब अगर होता है ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी। तो वट विल बी द काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, ये तब अगर होता है ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी। अगर फेलियर हो जाए टू डिलीवर गुड्स, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, दस इट ऑल्सो कवर द क्रेडिट रिस्क। तो ये क्या चीज़ें को कवर करता है, ये ऑल्सो कवर करता है द क्रेडिट रिस्क को भी। तो काउंटर पार्टी रिस्क व्हाट इज बेसिकली द काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, ये तब अकर होता है ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय काउंटर पार्टी। फेलियर मतलब जो गुड्स है वो डिलीवर ना हो, रीपेमेंट नहीं हो रहा है बोरिंग का, तो ये इसकी वजह से क्रेडिट रिस्क भी होती है। नॉन ऑनरिंग ऑफ द ऑब्लिगेशन मतलब व्हेन देयर इज अ नो डिलीवर ऑफ गुड्स, डिलीवर जो गुड्स जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं और रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है ऑब्लिगेशन का, तो ये क्या कवर करता है क्रेडिट रिस्क को। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन हिंट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क। कैसे हम पता लगाएंगे कि काउंटर पार्टी रिस्क है, इफ देयर इज अ फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। हम क्या बोलते हैं, हाउ देयर विल बी द असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन हिंट दैट प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क। कैसे काउंटर पार्टी रिस्क होगा, फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। अगर कोई फेलियर हो जाए टू ऑब्टेन द नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट, अगर इफ देर इज वॉट, इफ देर इज अ फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज, इफ देर इज वॉट, इफ देर इज अ फेलियर टू ऑब्टेन, आप जो है वो रिसोर्सेज को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज टू कम्प्लीट दी ट्रांजेक्शन, इफ देर इज वॉट, अगर फेलियर हो जाता है किसमें, अगर फेलियर हो जाता है कि आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो नेसेसरी रिसोर्सेज को टू कम्प्लीट द ट्रांजेक्शन, इफ देर इज अ फेलियर टू ऑब्टेन, आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो नेसेसरी रिसोर्सेज ताकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, और रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन हो जाए गवर्नमेंट से, या फिर हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, हॉस्टाइल एक्शन हो जाए गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, अगर लेट डाउन हो जाए बाय थर्ड पार्टी, हैव बिकम इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट हो जाओ, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो हम क्या बोलते हैं, फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कम्प्लीट द ट्रांजेक्शन। तो व्हाट आर द असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन, क्या अगर फेलियर हो जाए, किसमें फेलियर हो जाता है, अगर फेलियर हो जाता है टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, इफ देर इज वॉट, अगर फेलियर हो जाए कि आप नेसेसरी रिसोर्सेज को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो टू कंप्लीट की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, आप नेसेसरी रिसोर्सेज को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ गवर्नमेंट से,
हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी हैव बिकम इनसॉल्वेंट होता है, ये सारी चीजें होते हो। उसके बाद हम बोलते हैं व्हाट आर द टेक्निक्स एंड वे टू मैनेज द काउंटर पार्टी रिस्क आर एस फॉरम। कौन से ऐसे टेक्निक्स है, कौन से ऐसे वेज है जिससे आप मैनेज कर सकते हो काउंटर पार्टी रिस्क, जैसे कैरिंग आउट ड्यू डिलीजेंस। आप क्या कर रहे हो, कैरिंग आउट ड्यू डिलीजेंस बिफोर डीलिंग विद, जस्ट जस्ट अ मिनट। फर्दर जो हम रीड कर रहे हैं वो रिलेटेड है कि कौन सी ऐसी टेक्निक से बेस है जिससे हम काउंटर पार्टी रिस्क, जो व्हाट आर द वेज ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क एज फॉलो। कैरिंग आउट ड्यू डिलीजेंस बिफोर डीलिंग विद एनी थर्ड पार्टी, हम क्या करें, ड्यू डिलीजेंस रखें, हम सुदबुद रखें, ड्यू डिलीजेंस रखें बिफोर डीलिंग विद किसी भी थर्ड पार्टी से डील करने से पहले, वी हैव सच अ ड्यू डिलीजेंस। डू नॉट ओवर कमिट, हम बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट नहीं बताए। नो योर एक्सपोजर लिमिट, यू मस्ट नो योर एक्सपोजर लिमिट्स क्या है। उसके बाद रैपिड एक्शन इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हो जाता है तो हम रैपिडली एक्शन ले लें। उसके बाद रैपिड एक्शन इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, रैपिड एक्शन ले इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, हम क्या करें, यूज करें ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। वॉट वी कैन डू डेट इज यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं काउंटर पार्टी रिस्क को, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, कौन से ऐसे वेज है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, कौन से ऐसे वेज है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं काउंटर पार्टी रिस्क को। तो हम क्या है, कैरिंग आउट ड्यू डिलीजेंस बिफोर डीलिंग विद एनी थर्ड पार्टी। अगर हम कैरी आउट करें, हम क्या करें, कैरी करें, ड्यू डिलीजेंस रखें, हम बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट ना रखें, हम अपने एक्सपोजर, नो योर एक्सपोजर लिमिट हम जाने, रिव्यू क्रेडिट लिमिट रेगुलेटरी, रैपिड एक्शन इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, हम कैसे रैपिड एक्शन ले सकते हैं इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या करें, यूज़ करें परफॉर्मेंस गारंटी को। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क, देन कम्स दी पॉलिटिकल रिस्क। व्हाट इज़ पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क कंट्री रिस्क क्या है, इट इज फेस्ड बाय ओवरसी इन्वेस्टर एज द एडवर्स एक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री में लीड टू ह्यूज लॉसेस। तो वॉट इज पॉलिटिकल रिस्क और कंट्री रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और कंट्री रिस्क क्या होता है, इट इज फेस्ड बाय ओवरसी इन्वेस्टर्स, ये फेस किया जाता है, हम क्या बोलते हैं, दैट वट विल बी दी पॉलिटिकल रिस्क कंट्री रिस्क, वट विल बी दी पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क कंट्री रिस्क क्या होता है, इट इज फेस्ड बाय ओवरसी इन्वेस्टर्स, ये किसके द्वारा फेस की जा है, ये फेस की जाती है किसके थ्रू, ये फेस की जाती है बाय ओवरसी इन्वेस्टर्स एज द एडवर्स एक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री में लीड टू ह्यूज लॉसेस। पॉलिटिकल रिस्क कैन बी आइडेंटिफाई फॉर फॉलोइंग एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री, असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, कन्फिस्केशन हो गया ऑफ ओवरसी प्रॉपर्टीज का, रेशनिंग हो गया रेमिटेंस टू होम कंट्री, रेस्ट्रिक्शन हो गया ऑन कन्वर्शन ऑफ करेंसी, रेस्ट्रिक्शन एज टू बोरोइंग, प्राइस कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। Organization interested in making investment in foreign country can assess the country risk by referring the political ranking, evaluating the macroeconomic condition, analyzing popularity of current government, taking advices from embassies. तो ये हो जाता है हमारा the. उसके बाद हम further discuss करते हैं that is management techniques way to कैसे हम manage करेंगे political risk को. लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, एंटरिंग इन जॉइंट वेंचर, कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं, हम एंटर हो जाए जॉइंट वेंचर्स में, लोकल फाइनेंसिंग करें, प्राइस एंड नेगोशिएशन। इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या आता है, ये तब अकर होती है क्योंकि चेंजेस हो जाता है इंटरेस्ट रेट में, रिजल्टिंग इन चेंज इन असेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस हो जाता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है आइडेंटिफाई की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, एनी एक्शन बाय गवर्नमेंट सच एज डीमोनेटाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक मार्केट चेंजेस। मैनेजमेंट मिटिगेशन टेक्निक्स वे टू मैनेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क का डिस्कस इन रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। What will be the currency risk क्या होता है, ये mainly affect करती है organization dealing with foreign exchange as their cash flow changes with the movement in currency exchange rate. तो आइडियली यही है कि व्हाट आर द पैरामीटर क्या है टू आइडेंटिफाई, कैसे करेंगे करेंसी रिस्क दैट आर एस फॉलो, गवर्नमेंट एक्शन क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट्स क्या है, नेचुरल कैलमिटीज क्या है, वॉर कॉप रेबिलियन क्या है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, मैनेजमेंट मिटिगेशन टेक्निक्स भी कैसे हम मैनेज कर सकते हैं करेंसी को, डाटा डिस्कस इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। तो आइडियली रिस्क मैनेजमेंट में इतनी सारी चीज़ें नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं, कुछ कुछ है बट जो है वो बहुत ही शॉर्ट में है। बट करेंटली वी आर रिकॉलिंग द थिंग्स फ्रॉम अजय अग्रवाल सर नोट्स एज वेल, तो लेट मी ब्रिंग दैट वन जस्ट जस्ट। तो करेंटली हम जो डिस्कस कर रहे हैं डेट इज
कंप्लायंस रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है, कंप्लायंस रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है। तो कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, जितने भी बिजनेस है दैट नीड टू उन्हें कंप्लाई करना होगा रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल विद द एडवेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंटिन्यूस अपडेटिंग ऑफ सेबी गाइडलाइंस, ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करना होगा प्लेथोरा ऑफ रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस के साथ। नॉन कंप्लायंस, अगर सपोज वो कंप्लाई नहीं करते रूल्स और रेगुलेशन, तो दैट लीड्स टू सिंपली पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। However, when a company ventures into a new business line or a new geographical area, the real problem then occurs. For example, a company जो pursue कर रही है cement business, likely to venture into sugar business in a different state, but laws applicable to the other sugar mills in that state are different. So that poses a compliance risk. If the company fails to comply with laws related to a new area or industry or sector, it will pose a serious threat to its survival. तो हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद आता है हमारा, दैट कम्स दी ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिस्क रिलेट टू ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है, ये इंटरनल टाइप की रिस्क होती है। ये रिलेट करती है फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू कॉप अप विद वो डे टू डे ऑपरेशंस के साथ मीट नहीं कर पा रही, तो दैट इज सिंपली दी ऑपरेशनल रिस्क। इंटरनल रिस्क डे टू डे ऑपरेशन को मीट आउट नहीं कर पा रही है। ऑपरेशनल रिस्क रिलेट टू पीपल एज वेल एज प्रोसेस। वी विल टेक एन एग्जांपल, जैसे कि एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय को 1 लाख पेइंग आउट 1 लाख फ्रॉम अकाउंट ऑफ अ कंपनी इंस्टेड ऑफ 10,000। मतलब 10,000 देने और कंपनी एम्प्लॉय जो है वो 1 लाख दे रही है, क्या है मतलब, व्हाट्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम्प्लॉय यानी कि द पर्संस हु आर वर्किंग अंडर अ एम्प्लॉयर, अंडर द बॉस दैट इज एम्प्लॉयर। तो 10,000 देने 1 लाख दिया जा रहा है, मतलब दैट इज the operational risk. This is a people as well as process risk. An organization can employ another person to check the work of that person who has mistakenly paid 1 lakh, or it can install an electronic system that can flag off an unusual amount. What is a financial risk? How it can be evaluated from the point of view? The financial risk can be viewed from different perspective. Explain. हम क्या बोलते हैं, what is financial risk? How it can be evaluated from point of view? हम क्या बोलते हैं that what is the financial risk? क्या है and how it can be, कैसे आप उसे evaluate कर सकते हैं from the point of views? The financial risk can be viewed from different perspectives. से financial risk को देखा जा सकता है। Explain कीजिए कैसे different stakeholder view करते हैं the financial risk को। Explain कीजिए financial risk क्या है from the point of view of stakeholder, company and the government. Financial risk is referred as unexpected change. Financial risk का हम क्या बोलते हैं, अगर कोई unexpected change हो गया financial condition में, जैसे कि prices में, exchange rate में, credit rating में, interest rate में, etc. Though political risk is not a financial risk in direct sense, but same can be included as any unexpected political change in any foreign country that may lead to country risk, which may ultimately result in financial loss. तो हम क्या बोलते हैं, what will be the financial risk? Financial risk क्या होता है, what will be the financial risk? फाइनेंशियल रिस्क को क्या बोला जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द अनएक्सपेक्टेड चेंज। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है फाइनेंशियल कंडीशंस में, जैसे कि प्राइस में, एक्सचेंज रेट में, क्रेडिट रेटिंग में, इंटरेस्ट रेट में, एक्सेट्रा। दो पॉलिटिकल रिस्क इज नॉट अ फाइनेंशियल रिस्क इन डायरेक्ट सेंस, बट द सेम मे बी इंक्लूडेड एज एनी अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल चेंज इन एनी फॉरेन कंट्री दैट मे लीड टू कंट्री रिस्क, व्हिच मे अल्टीमेटली रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल रिस्क है दैट कैन बी व्यूड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर एज फॉलो। सो फाइनेंशियल रिस्क है उसे आप देख सकते हैं बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर दैट इज एज फॉलो। From the stakeholder's point of view, from the हम क्या बोलते हैं किसके point of view से, from the stakeholder point of view. So major stakeholder है of the business are equity shareholders and they view financial gearing ratio जो है debt in capital structure company as a risk, since in the event of winding up of a company there will be least be given priority. तो हम क्या बोलते हैं from the stakeholder point of view, from the stakeholder point of view हम क्या बोलते हैं, जो major stakeholder है business के वो कौन होते हैं, वो equity shareholders होते हैं, वो view करते हैं financial gearing को in the ratio of debt and capital structure of a company as a risk, since the event of winding up of a company there will be least be given priority. Even for a lender, existing gearing is also a risk, since company having high gearing faces more risk in default of payment of interest and principal repayment. So from the company's point of view, हम क्या बोलते हैं that from the company's point of view, हम क्या बोलते हैं from company's point of view, if a company borrow excessively or lend to someone who default, then it can be forced to go into liquidation.
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक कंपनी बोरो करती है एक्सेसिवली और लेंड टू समवन, अगर कंपनी जो है बहुत ज्यादा ज्यादा बोरो कर रही है या फिर लेंड कर रही है समवन वो डिफॉल्ट, एंड इट कैन बी फोर्स्ड टू गो इनटू लिक्विडेशन में जा सकता है. फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो फाइनेंशियल रिस्क है दैट कैन बी व्यू एज अ फेलियर टू एनी बैंक जैसे कि लेमन ब्रदर्स. तो हम क्या बोलते हैं, वट विल बी दी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द लेमन ब्रदर, यानी कि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में जो पॉइंट डिस्कस किया था उसमें था कि फेलियर, अगर फेलियर हो जाता है किसी बैंक का लेमन ब्रदर्स और डाउनग्रेडिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लीडिंग टू स्प्रेड ऑफ, तो क्या होगा, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा. अगर कोई बैंक फेल हो गया तो पब्लिक में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा अमंग द सोसाइटी एट लार्ज. इवन दिस रिस्क ऑल्सो इंक्लूड विलफुल डिफॉल्टर्स. दिस कैन ऑल्सो भी एक्सटेंडेड टू सॉवरेन डेट क्राइसिस एंड ऑल. वॉट डू यू मीन बाई टर्म काउंटर पार्टी रिस्क? काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए वेरियस हिंट्स दैट मे प्रोवाइड एन इंडिकेटर द सेम रिस्क एंड द वेरियस टेक्निक टू मैनेज दिस रिस्क. विच टाइप ऑफ रिस्क कवर्स द डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी? लिस्ट आउट द वेज टू मैनेज दिस टाइप ऑफ रिस्क. तो हम क्या बोलते हैं, वट डू यू मीन बाय, आप काउंटर पार्टी रिस्क से क्या समझते हो? वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंटर पार्टी रिस्क से? वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म? एक्सप्लेन कीजिए बहुत सारे ऐसे हिंट जो कि प्रोवाइड करते हैं इंडिकेटर जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये तो काउंटर पार्टी रिस्क है एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं. एंड विच टाइप ऑफ रिस्क, कौन से ऐसे रिस्क है जो कि कवर की जाती है बाय द डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी? लिस्ट आउट द वेज टू मैनेज दिस टाइप ऑफ रिस्क. व्हाट आर द वेज जिसके थ्रू काउंटर पार्टी रिस्क? काउंटर पार्टी रिस्क में क्या होता है, बेसिकली इफ देयर इज अ फेलियर टू डिलीवर द गुड्स, इफ देयर इज अ मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं हो पाया, ये सारी चीजें आती है उसमें. तो द रिस्क अकर्ड ड्यू टू द नॉन ऑनरिंग ऑफ द ऑब्लिगेशन जो है वो ऑनर नहीं हो पाई है अबाउट द काउंटर पार्टी, विच कैन बी फेलियर टू डिलीवर द गुड्स फॉर द पेमेंट ऑलरेडी मेड. फेलियर हो जाए फॉर द डिलीवर ऑफ द गुड्स या फिर रीपेमेंट ऑफ, फेलियर हो जाए इन द रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा. दस दिस रिस्क कवर करती है क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी. अगर फेलियर हो जाए टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज, आप क्या कर पा रहे हो, मतलब आप क्या नहीं कर पा रहे हो? इफ देर इज अ फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज, अगर फेल हो जाता है, फेलियर किस में अकर होता है, अगर फेलियर हो जाता है टू ऑब्टेन द नेसेसरी रिसोर्सेज, हम क्या बोलते हैं, इफ देर इज अ फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज, अगर आप नेसेसरी रिसोर्सेज को ऑब्टेन नहीं कर पाते हो, अगर आप नेसेसरी रिसोर्सेज को ऑब्टेन नहीं कर पाते हो टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन, जो भी आपने ट्रांजेक्शन लिया था, जो भी आपने प्रोजेक्ट अंडरटेकन किए थे, जो भी आपने ट्रांजेक्शन लिया था, जो भी आपने प्रोजेक्ट अंडरटेकन किए थे, अगर आप फेल हो जाते हो टू ऑब्टेन द नेसेसरी रिसोर्सेज, अगर आप फेल हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, इफ देर इज अ फेलियर टू ऑब्टेन द नेसेसरी रिसोर्सेज, इफ देर इज अ फेलियर, अगर फेलियर हो जाए टू ऑब्टेन द नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट दी ट्रांजेक्शन, हम क्या बोलते हैं, अगर इफ देर इज वॉट, इफ देर इज अ फेलियर हो जाए टू ऑब्टेन द नेसेसरी रिसोर्सेज को ऑब्टेन करना टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट और ट्रांजेक्शन, कोई रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन हो जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट, इफ देर इज अ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन हो गवर्नमेंट से, हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरिन गवर्नमेंट, लेट डाउन बाई थर्ड पार्टी, हैव बिकम इंसॉल्वेंट हो जाए, वेरियस टेक्निक्स जिसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो, तो अगर फेलियर हो जाए टू ऑब्टेन द नेसेसरी, हॉस्टाइल एक्शन, इंसॉल्वेंट हो जाए, देन लेट डाउन बाई थर्ड पार्टी, फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी, तो ये वट आर द वेज टू मैनेज, कैसे मैनेज कर सकते हो? कैरिंग आउट ड्यू डिलीजेंस बिफोर डीलिंग विद एनी थर्ड पार्टी, आपको कैरी आउट करना हो ड्यू डिलीजेंस को. डू नॉट ओवर कमिट टू सिंगल एंटिटी, आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मत दो टू अ सिंगल एंटिटी और अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एंटिटीज. नो योर एक्सपोजर, अपनी एक्सपोजर लिमिट्स जानी है. रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजरल फॉर, यू नीड टू रिव्यू कीजिए लिमिट्स वगैरह को. रैपिड एक्शन इन द इवेंट ऑफ एनी लाइकलीहुड ऑफ डिफॉल्ट, रैपिड एक्शन लीजिए इन द इवेंट ऑफ, मतलब तुरंत एक्शन लीजिए अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो. और यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, आप यूज़ कीजिए परफॉर्मेंस गारंटी को, इंश्योरेंस को, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को. उसके बाद एक्सप्लेन द मेन रिस्क दैट कैन बी फेस बाय एन ओवरसी इन्वेस्टर्स. ओवरसी इन्वेस्टर जो है कुछ पर्टिकुलर टाइप की जो है वो रिस्क फेस करते हैं, तो आप उसको डिस्कस कीजिए. तो फाइनेंशियल रिस्क में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि काउंटर पार्टी रिस्क है, ओवरसी रिस्क है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल रिस्क क्या है वो पढ़ा था. तो करंटली वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट विल बी द पॉलिटिकल रिस्क क्या है दिस फेस बाय एन ओवरसी इन्वेस्टर. As the adverse action by the government of the host country may lead to huge losses, and this can be of the following form. Confiscation ho jaye, what is political risk? Confiscation ho jaye, destruction ho jaye overseas properties ka. Rationing of remittance to home country, rationing kar di jaye, limit fix kar di jaye to the home country par.
रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्शन ऑफ लोकल करेंसी ऑफ होस्ट कंट्री टू फॉरेन करेंसी, रेस्ट्रिक्शन हो जाए ऑन द कन्वर्शन की कन्वर्ट नहीं होगी लोकल करेंसी, या फिर रेस्ट्रिक्शन हो जाए बोरिंग्स पर, इनवैलिडेशन ऑफ पैटर्न को इनवैलिड बोला जाए, प्राइस कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये सारी जो है ओवरसी रिस्क है, कन्वर्शन पर लिमिट, राशनिंग पर लिमिट, या फिर हम बोलते हैं प्राइस कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स उस पर ऐसा बोल दिया जाए, रेस्ट्रिक्शन टू बोरिंग, इनवैलिडेशन ऑफ पैटर्न, तो ये सारी जो आती है हमारी पॉलिटिकल रिस्क फेस बाय द ओवरसीज इन्वेस्टर। एक्सप्लेन कीजिए कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड हो सकती है इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, कैन असेस कंट्री रिस्क एंड मिटिगेट द रिस्क। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड हो सकती है इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, कैसे वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है फॉरेन कंट्री में, कैसे वो असेस कर सकती है कंट्री रिस्क को, कैसे वो मिटिगेट कर सकती है इस रिस्क को, एंड ऑल्सो थिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असेस करेगी कंट्री रिस्क को, वो रेफर करेगी पॉलिटिकल रैंकिंग पब्लिश बाई डिफरेंट बिजनेस मैगजीन्स के द्वारा, वो इवेल्युएट करेगी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, वो इवेल्युएट करने की कोशिश करेगी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वो एनालाइज करने की कोशिश करेगी पॉपुलैरिटी क्या होगी ऑफ करंट गवर्नमेंट एंड असेस देयर स्टेबिलिटी, वो एडवाइसेस लेगी फ्रॉम द एम्बेसीज ऑफ द होम कंट्री इन द होस्ट कंट्रीज। फर्दर फॉलोइंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है कि कैसे रिस्क को मिटिगेट किया जाएगा, लोकल सोर्सिंग क्या है रॉ मटेरियल एंड लेबर की, एंट्रिंग कैसे एंटर किया जा रहा है जॉइंट वेंचर्स में, कैसे लोकल फाइनेंसिंग हो रही है, कैसे प्रायर नेगोशिएशंस हो रहा है, एंड ऑल सच थिंग। तो हम क्या बोलते हैं कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरेस्टेड हो सकती है इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, कैसे वो असेस करेगी कंट्री रिस्क को, कैसे वो मिटिगेट करेगी इन सारी चीज़ों को, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे आप मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को, लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, आप क्या करो कि लोकल सोर्सिंग और मटेरियल्स को, लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर एंटर कीजिए जॉइंट वेंचर में, लोकल फाइनेंसिंग कीजिए, प्रायर नेगोशिएशन पहले से नेगोशिएशन करके रखिए ताकि बाद में ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्री रिस्क, हम क्या बोलते हैं एक्सप्लेन कीजिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड हो सकती है इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, कैन असेस द कंट्री रिस्क, कैसे वो मिटिगेट कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असेस कर सकती है कंट्री रिस्क को, वो रेफर कर सकती है पॉलिटिकल रैंकिंग पब्लिश बाय द डिफरेंट बिजनेस मैगजीन्स, इवेल्यूएट करेगी कंट्री मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, एनालाइज करेगी पॉपुलरिटी ऑफ करंट गवर्नमेंट एंड असेस देयर स्टेबिलिटी, कैसे वो एडवाइसेस लेगी फ्रॉम द एम्बेसीज ऑफ द होम कंट्री इन द होस्ट कंट्री एंड ऑल्सो थिंग। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट आर द पैरामीटर टू आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क, कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो करेंसी रिस्क को, या फिर आपको डिस्क्राइब करना है कौन से वेरियस पैरामीटर है जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे करेंसी रिस्क को। तो सम ऑफ द पैरामीटर टू आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क आर एज फॉलो, कुछ जो पैरामीटर है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओगे करेंसी रिस्क को वो आते हैं गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन ऑफ एनी कंट्री हैज अ यूजुअल इंपैक्ट इन इट्स करेंसी, फॉर एग्जांपल यूके गवर्नमेंट डिसीजन टू डाइवर्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड दिस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एज पर द इंटरेस्ट रेट पैरिटी, द करेंसी एक्सचेंज रेट को डिपेंड करेगी इन्फ्लेशन रेट, नेचुरल कैलेमिटी, चेंज ऑफ फॉर्मेट, ओके वॉट इज वैल्यू एट रिस्क क्या है जिससे आप मेजर कर सकते हैं रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉम्पोनेंट ऑफ कैलकुलेशन, टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल जनरली 95% टू 99%, लॉस इन परसेंटेज, स्टैटिस्टिकल मेथड है ये, टाइम ओरिजन बताता है, प्रोबेबिलिटी कंट्रोल रिस्क, जेड स्कोर इंडिकेट करता है कि कितने, हाउ मैनी स्टैंडर्ड एविएशन इज अवे, कितने स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो दूर है, मीन्स वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वैन इट इज मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड एविएशन इट प्रोवाइड वास्ट। एक्सप्लेन कीजिए दैट वट आर द सिग्निफिकेंस क्या एप्लीकेशन का, मेजर करता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो ट्रेडिंग पोजिशन, मेजर करता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो, यूज किया जाता है एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फिक्स करता है लिमिट फॉर इंडिविजुअल सेलिंग, इंडिविजुअल डीलिंग इन दी जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट, एनेबल करता है द मैनेजमेंट की कैसे आप डिसाइड करोगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, इट्स अ टूल है फॉर एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जो कि स्पेशली होता है इन बैंक में। तो ये सारा हमारा हो जाता है, तो हमारा विद दिस वी हैव कवर्ड ब्रॉडली द रिस्क मैनेजमेंट, जो थ्योरी है वो मेनली यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस ये है कि हमें जो काउंटर पार्टी रिस्क है उसकी इंडिकेटर्स उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और दूसरा ओवरसी इन्वेस्टर्स का रिस्क, और ये दो चार पॉइंट और हमें रिकैप करने पड़ेंगे वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, अदरवाइज ये चैप्टर यही है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क, चारों रिस्क है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क में थोड़ा सा और ब्रॉड व्यू है, क्योंकि हमने थोड़ा
शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा है, पर्टिकुलरली ये फिर उसके बाद एप्लीकेशन क्या है वायर की, उसके बाद कंपोनेंट्स क्या है वायर के, उसके कैलकुलेशंस क्या है, और उसके अलावा मेजरली मतलब यही चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। उसके अलावा अगर कोई आ जाता है तो वो प्रैक्टिकल पार्ट जाएगा। तो विद दिस वी हैव कवर्ड एंटायर रिस्क मैनेजमेंट। ऑलराइट।